जैसा कि शनिवार को दो नर चीते हमने बड़े बाड़े में रिलीज किए क्वारंटाइन अवधि पूरी होने के बाद, और वो एक्सप्लोर कर रहे थे शुरू दिन से ही, तभी से चेस कर रहे थे एनिमल्स को, और यहाँ के वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल रहे थे, वहाँ की जगह को पहचानने की मतलब कोशिश करते हैं, वो अपना एरिया पहले एक्सप्लोर करते हैं वो करते हैं, और यहाँ के एनिमल जब उन्होंने देखे तो आज बड़ी खुशी की बात है कि आज 70 साल बाद हमारे भारत की धरती पर चीतों ने आ करके और शिकार किया है और यहाँ के नेचुरल वातावरण को अडाप्ट किया है। ये बहुत ही सब लोगों के लिए बड़ी, इस योजना के लिए आगे के लिए हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात, बड़ी खुशखबरी है ये। और आगामी जो चीते अभी क्वारंटाइन अवधि के बाद के जो छोटे बाड़ों में रखे हैं, इसके लिए जो चीता टास्क फोर्स बनाई गई है, हमारी चीता टास्क फोर्स आकर के समय समय पर जानकारी लेकर के वही डिसाइड करती है कि कब किस एनिमल को चुनाव, और इसमें विशेषज्ञों की राय लेकर के सभी का मत जानने के बाद में चीता टास्क फोर्स का निर्णय रहता है कि किस बाड़े में किस एनिमल को कब छोड़ना है। तो अभी वो हमारे पास कोई ऐसा प्री डिसाइडेड प्लान नहीं है कि इस दिनांक को इसको, इस दिनांक को इसको और इसमें छोड़ेंगे, ऐसा कोई अभी प्री डिसाइडेड प्लान नहीं है। ये तो जब हमारी, हमसे जो जानकारी ली जाती है कि आपने ये तैयारियां कर ली है कि नहीं, पूरी तैयारियां क्या, किस बाड़े में रेडीनेस है, तो उस हिसाब से वो निर्णय लेकर के हमको अवगत कराते हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि चीता टास्क फोर्स समिति के मेंबर्स भी रहते हैं साथ में, और वो बाड़े में फिर रिलीज करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं।